क्या हाल है जनाब, वेलकम बैक माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग है दुबई सिटी टूर, और सिटी टूर मैं करने वाला हूँ लोकल बस के ऊपर, और यहाँ से मैं जाऊँगा बस पे, और बस पे बैठ के फिर उसके आगे जनाब मैं जाऊँगा ट्रेन पे, और ट्रेन मेट्रो ट्रेन पे जो होती है इनकी, और रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों का रिव्यू आपको दिखाऊँगा। और अब जा रहा हूँ मैं, यहाँ से निकला हूँ, और काफ़ी मतलब यहाँ से डिस्टेंस था, वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, वॉक करते करते ऐसा ऐसा जा रहा हूँ, आपको देखे हो। और अब मैं निकला हूँ यहाँ से, ये देखें काफ़ी पीछे मेरी बिल्डिंग थी, मौदा से निकला हूँ तो मैं निकल आया हूँ। ये ग्राउंड है यहाँ पर, उन्होंने खेलने के लिए बनाया, वही आगे एक पार्क है, वो सामने आ गई मस्जिद, और मस्जिद से आगे ये सीधा रास्ता जो जाता है, ये जाता है वो है बस स्टॉप पर। तो बस स्टॉप पर जाके हमें बस मिलेगी जनाब, और बस ले के जब, तो फिर एक कार्ड आता है, जो जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एक वो कार्ड था, वो कार्ड आपको पास रखना पड़ता है, उसमें आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और उस कार्ड के ही थ्रू आप इस पर सफ़र कर सकते हैं, नहीं तो आपको बस पे चढ़ने नहीं देते वो। तो मैं अब निकल आया हूँ यहाँ से, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पर जाते जाते, पैदल जाना यहाँ से 10 मिनट का रास्ता मेरे रूम से है, और अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पर बस स्टॉप पर, दिखाते हैं आपको, ये दिखाऊँ आपको इस साइड पे, ये देखें, ये मैंने उस दिन आपको जैसे अपनी पहली वीडियो में बताया था, ये प्राइवेट एरिया है, यहाँ पे पार्किंग की कोई टेंशन नहीं होती, यहाँ पे हर जगह पार्किंग अवेलेबल होती है, हर आप देख सकते हैं हर जगह कितनी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और गाड़ियाँ इसलिए खड़ी हैं कि यहाँ पर कोई पार्किंग पेड नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर पार्किंग कर सकते हो। तो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है इंटरेस्टेड, क्योंकि आप लोगों को मैं बस के ऊपर, बस कह लेंगे दुबई के 20 रुपये में टूर करवाने वाला हूँ पूरे दुबई का, क्योंकि इधर से बस में मैं बैठूँगा मेरे 5-6 रुपये लगेंगे मेट्रो स्टेशन तक के, और फिर मेट्रो में बैठूँगा वहाँ से भी 5 काटते हैं अगले स्टेशन से, मतलब आपके एक दफ़े वहाँ से 7 रुपये काटे जाने हैं आपके इस मेट्रो स्टेशन पर, उतरे कोई मसला नहीं होता। मारते मारते जनाब पहुँच गए हम यहाँ पर, थोड़ा सा रॉन्ग आ गए थे, लोकेशन यहाँ पे कुछ ऐसी होती है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि आप लोगों ने किधर को जाना है, तो थोड़ा सा रॉन्ग आया था मैं, अब थोड़ा सा सीधा होके वो सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से मैं निकलूँगा बाहर को, और मुझे जाना है इस साइड पे। आप लोगों को यहाँ पे जिधर भी देखने को मिलेगा ना, सब जगह पर यही पॉइंट मिलेंगे, गाड़ियाँ पार्किंग के पॉइंट्स हैं, ग्राउंड्स बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, यही सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पेड़ नहीं होती पार्किंग, आपको बताने का मतलब ये है इसलिए कि इस साइड पे सुकून भी है, शोर शराबा भी इतना नहीं है, और आप लोगों को रिहाइश भी इजीली मिल जाती है यहाँ पे, साफ़ एरियाज़ हैं, देखें आप बिल्डिंग्स देख लें, बिल्कुल साफ़ एरिया, ठीक है। और वीडियो बनाने का और दिखाने का आपको मतलब ये होता है कि जो भी आना जा रहा होता है ना अपनी फैमिली के साथ यहाँ अकेला, तो वो इन एरियाज़ में आकर रिहाइश अपनी ले। सिटी एरिया में तो बहुत ये है कि रिहाइशें बहुत गंदी होती हैं, और दूसरा ये कि रश और शोर शराबा इतना ज़्यादा था कि आप लोग तो उनसे सो भी नहीं सकते। बस स्टैंड पे पहुंच गए, ये बस स्टैंड है, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे आके बस रुकती है। उतना ही मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि ज़्यादा वो गाड़ी गुजर गई है, अब दूसरी गाड़ी आएगी 10 मिनट बाद, और 10 मिनट उसका वेट करते हैं यहाँ पे गाड़ी आने का, जैसे लोग कर रहे हैं हम भी करते हैं वेट करके। यहाँ पे ये मस्जिद बनी है, मस्जिद में भी छाँव का कोई इंतज़ाम नहीं, मतलब यहाँ पर हर जगह आपको गर्मी ही मिलेगी। यहाँ पे टैक्सी जिधर खड़ी है ना, यही बस स्टैंड है, इधर ही बस खड़ी होती है, इधर से उन्होंने लोड करना है हमको निकल जाना। तो बाकी आगे चल के आपको साथ दिखाते हैं, कार करने बस प्रेस करना है, प्रेस करने के साथ हो गई इंतज़ार की, बस का वेट कर करके जनाब थक गए हैं, अभी तक हमारी बस 2:00 तक नहीं आ रही, ये भी आई है तो कोई और लाइन की है, हमारी आएगी 310 नंबर, पीछे भी जो आई है वो भी 50 नंबर है, भाई हमारी बस किधर रह गई है, हमें क्यों नहीं लेके जा रहे आप लोग, तो ये देखो इसको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये ड्राइवर ने उसे बता दिया, इसको आठ में पैलेस नहीं था, तो उसने बोला निकल जाए, तो उसको तब से गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल है अब हमारी बस आने में भी टाइम है, जब मैं पहुँचा होना थी तब भी एक हमारी बस, हमारी बस भी आ गई है पीछे, इससे पीछे वाली वो बस जो आपको नज़र आ रही है वो हमारी है,
कार लगाऊंगा बीच बैठ के, तो बस उसके बीच अंदर साथ ही। ठीक है, ये बस है 310 जिधर मैंने जाना है, ये हमारा स्टेशन है। तो इसमें इसका ही वेट इतनी देर से कर रहा था, अब बैठते हैं इसके अंदर। इसमें कार्ड में अपना रिचार्ज करेंगे, कार्ड में रिचार्ज करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और ऊपर ही चलते हैं। वेट क्या करना है हमें, देखो गरीबों इतने हर जगह पे एक्सीलेटर लगने हैं, बस उसी ऊपर खड़े होना है तो नाल चले जाना है। तो ऐसे भी नाल नाल जा रहे हैं, तो जिन्होंने फास्ट ट्रैक पर जाना है वो इधरों को जल्दी नहीं करते, वेट करने वेट करके अपना कार्ड रिचार्ज करने हैं, थोड़ी जी बात कॉल करिए तो फिर जाने आगे। ठीक है, डेरी में बैठ के कर रहे हैं वेट, वेट इसलिए कर रहे हैं कि जनाब हम थोड़ा सा निकले और लोग ऑर्डर होता है तो फिर हम आगे निकल रहे हैं और ट्रेन जाएंगे। बंदे के पास जिस समय अपना पासपोर्ट रिसीव करना है, पासपोर्ट रिसीव करके फिर हम अपने रूम में वापस जाएंगे। आपको मतलब पूरा चाहिए था जी, कैफेटेरिया वहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है, अभी आ जाएगा बंदा लेके। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे और फिर आगे चलते हैं और इंशाल्लाह आपको सारा व्लॉग पूरा देखें। मेट्रो ट्रेन में बैठ गए हैं और मेट्रो में बैठे हैं, हम जाएंगे यूनियन को उतर के फिर हम जाएंगे। तो स्टेशन है, ये ट्रेन है यहाँ पे, यहाँ से अब हम आगे स्टेशन पर जाके